जी वेलकम बैक एलिजे, आपने हमें एक्सेस दे दी है। चलें चल के देख लेते हैं ताकि आपकी भी असाइनमेंट फटाफट से चेक हो सके। गुड हो गया। नाइफ एंड फोर्क्स रेलिवेंट रेलिवेंट ओके सुपर रेलिवेंट वेरी नाइस एक्चुअली कटलरी सेट्स ठीक हो गया सुपर रेलिवेंट सही है। ये रेलिवेंट है सही फोक ठीक है लेकिन ये कटलरी सेट में फोक्स भी तो आते हैं ना वो ये डिफरेंट है बिल्कुल ये अलग सेट ये अलग है ठीक है सेट भी नहीं है ओके हाँ फोक तो खैर वो स्पून के भी उससे हट जाएंगे ना सेट होता है तो वो अच्छा जी सुपर एलिमेंट सारे सुपर एलिमेंट है ये ब्रांड के साथ है ब्रांड वाले आप हटा देंगे ठीक है इररिलेवेंट बिल्कुल आईकिया मिरर दैट्स ही बातें नहीं है ठीक है ये नहीं है ये क्या है ये इररिलेवेंट है ठीक है प्लेट्स हैं कोई हाँ जी चलें जी गुड हो गया। अच्छा जी स्कोर इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है इसका स्कोर। अच्छा उन्होंने फ्रीज चलो वो जल्दी जल्दी में कर दिया ना ठीक हाँ है जी कोई अपना बात नहीं एलिजिस की हेडिंग्स जो है उनको फ्रीज लाजमी किया करें नहीं वो असल में जल्दी जल्दी किया ना उन्होंने तो ये नहीं हो है पाया। ये कंपैरेटिव ये देखिए कितनी अच्छी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। ये देखें कंपेटिटर की अगर मैं बात करूं ये पहला कीवर्ड जो है इनके जो कंपेटिटर्स की पोजीशन है तीसरी दूसरी नौवीं सताईसवीं सात चार एक्सीलेंट। अगर रेंडमली स्कोर भी यहाँ इनके से थोड़ा अच्छे सा हैं देखें तो जो सिक्स स्कोर लेके बैठा हुआ है वो 16 ये वाला कंपेटिटर जरा मार खा गया। सही है ये वाला कंपेटिटर 14वीं पोजीशन पे बैठा हुआ है इसने भी इसकी भी रैंक डेस्टिनेशन नहीं फाइंड है नहीं हो रही हाँ है ये सेकंड पेज पर है मतलब अच्छा कीवर्ड है आधे कंपेटिटर्स तो फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं ठीक है। बाकी बहरहाल जितने अच्छे अच्छे स्कोर वाले होंगे जिनकी पोजीशन पहले पेज वाली होंगी उनको हम अलग कर देंगे ठीक है इसको प्रॉपर आप बनाएंगे बिल्कुल ठीक है अच्छे से बनाएंगे अब ये स्कोर आपके समझने के लिए देखेंगे जो पहला कंपेटिटर है ये 182 पोजीशन पर है मतलब सेकंड या थर्ड पेज मतलब पर ये होगा अच्छा इतना खास लेकिन नहीं है बाकी देखें दूसरी पोजीशन 68 3 32 9 35 ठीक है इस तरीके यूज से तो आप कर देखते सकते हैं हैं इसको बिल्कुल अच्छा कीवर्ड है। ठीक है चलिए जी ओके जी ओके गुड सबकी माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देखकर खुशी हो रही है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट जब आप इस तरीके से कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं उनकी वो कह लें पहचान हो जाती है कि हमारे काम के कीवर्ड्स कौन से हैं देन आगे क्या करना है आज हम वो सीखने जा रहे हैं ठीक हो क्या। अच्छा जी आपके पास अब आ गए हैं कीवर्ड ठीक है सारे आपने पता कर लिया भाई ये मेरे जो है वो रेलिवेंट हैं दिखा देते हैं ये रेलिवेंट है सर मैं सवेरिया को मीट कीजिएगा जी ठीक है अब ठीक है। अच्छा जी फॉर एग्जांपल हमारा एक मेन कीवर्ड है जैसे पिलो केस फॉर एग्जांपल ठीक है उससे रिलेटेड हमने शीट एक डाउनलोड की है ठीक है। अब आगे क्या करना है फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 1 से लेके 300 तक हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट या सुपर रेलिवेंट हैं फॉर एग्जाम्पल और इसमें से हमने यू कैन से ब्रांड नेम भी निकल गया इररिलेवेंट भी निकल गया। अब जो काम के कीवर्ड्स आपके रह जाते हैं उनको आप सिंपल कॉपी करते हो ठीक है हीलियम 10 को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और हीलियम 10 के आज दो न्यू आप फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड फ्रैंकेनस्टाइन एंड स्क्रिबल्स ठीक है। आज इन दोनों को हमने यूज करना है हीलियम 10 में ठीक है। सेरेब्रो पढ़ लिया मैग्नेट पढ़ लिया ब्लैक बॉक्स पढ़ लिया आज आप ये देख रहे हैं फ्रैंकेनस्टाइन के नेम से एक बॉक्स बना हुआ है ठीक है इसको आप क्लिक कर लें इसको ओपन कर लेते हैं इसकी ब्राउजिंग जरा कंप्लीट हो जाए ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ कीवर्ड प्रोसेसर
ठीक है, इस तरीके से इसका इंटरफेस शो होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ओपन हो गया, वापस हम जरा अपनी शीट पे चले जाते हैं। ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं काम के वो इधर लेकर आते हैं जरा। ठीक है, अब इधर से मैं कॉपी कर लेती हूँ। कोशिश मैं करूंगी कि कम से कम भी 300 या 350 कीवर्ड्स मैं यहां से कॉपी करूं जो रेलेवेंट है या सुपर रेलेवेंट है। ठीक है, अब सिंपल में पहले सेलेक्ट कर लेती हूं। डिलीट किए थे हमने वो पूरी रो डिलीट करनी है या जस्ट वैसे ही करना है? नहीं नहीं, जस्ट ओनली कीवर्ड, ताकि जो पीछे काम के कीवर्ड्स रह जाएंगे उनको ऑल कॉपी करना आसान हो। सिर्फ हमने कीवर्ड्स ही कॉपी करने हैं। डिलीट करने की बस कीवर्ड जो बेकार था हमने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ताकि वो आप जब जहाँ पे अभी आप ये रिसर्च कर रही हैं कीवर्ड की, तो वहाँ पे वो कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन आपके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि मैन्युअली हम पहले ही जो फालतू कीवर्ड्स हैं इनको निकाल दें, ताकि आगे हमारी लिस्टिंग अच्छे से बन सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब सब लोग फर्ज करें कि ये सारे वो कीवर्ड्स मैंने कॉपी कर लिए हैं जो काम के थे, जिनमें ब्रांड नेम नहीं है किसी और का, या आप कह लें कि कोई इररिलेवेंट कीवर्ड नहीं है। तो इस तरीके से जो आपके बच जाएंगे ना कीवर्ड्स काम के, वो सारे आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करके आप आ जाएंगे हीलियम 10 में, फ्रैंकेनस्टाइन में। तो ये वाला जो बॉक्स है ओरिजिनल कीवर्ड्स वाला, इधर लाके आप इसको सिंपल पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ऊपर ये डिटेल हमें बता रहा है कि 2301 करेक्टर्स हैं, और अगर इनको वर्ड्स पे काउंट किया जाए तो ये 400 वर्ड्स हैं। पहली बात, अब आके यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2-3 चेक्स लगे हुए हैं। वो पूछ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स, इसका मतलब है कि ये जो टूल है अब इस 400 वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स जो डुप्लीकेट हैं, जैसे किंग रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, साइज रिपीट हो रहा है, अगर कहीं और भी साइज आ रहा है, तो ये सब को ना छांटी करके एक एक दफा दिखाएगा आपको। डबलिंग जो भी है ये ऑटोमेटिकली उड़ा देगा। ठीक है, कन्वर्ट टू लोअर केस, इस पे भी आपने चेक लगे रहने देना है, इसको आपने रिमूव नहीं करना। रिमूव स्पेशल करेक्टर्स जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डैशेस, ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद रिमूव कर देगा। आपने इधर कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसेस, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स में ऑटोमेटिकली ये हमें प्रोवाइड कर देगा छांटी करके। अब आप जरा ऊपर नोट करें, टोटल करेक्टर्स 434, जबकि यहाँ पे कितने थे 2301, छांटी होने के बाद कितने आ गए 434। अच्छा, अगर वर्ड्स की मैं बात करूं 400 थे, छांटी होने के बाद ये कितने आ गए 68। ये काम तो हमारा हो गया, मैन्युअली चेक करने के बजाय हमें हमारा ये काम टूल ने करके दे दिया, वो भी विद इन सेकेंड्स। अच्छा, अब आगे क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रिबल्स, ये ऑटोमेटिकली आपको अगले फीचर पे ले जाएगा। अभी आप कहाँ हैं, अभी आप फ्रैंकेनस्टाइन में हैं। सिंपल यहाँ पे आप स्क्रिबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और ये कीवर्ड्स आपके यहाँ पर पहुंचा देगा। शमशा खुद ही करेगी, मेरा मतलब है ये शमशा टूल खुद ही करेगा। हाँ जी बिल्कुल, टूल ये खुद ही करेगा, हीलियम 10 टूल। हाँ, शमशा अगर गड़बड़ करेंगी तो वो आके इस टूल को ठीक करके देके जाएंगी। कल वैसे सबने उनकी खूब मत मारी हुई थी। नहीं, टूल में कल वाकई गड़बड़ था, इसी वजह से आपको छुट्टी भी दी गई थी। अच्छा सर, हमने क्या मार्केट प्लेस सेलेक्ट नहीं की थी? अब करें आप, यहाँ होंगे सेलेक्ट यूके। मार्केट प्लेस का खास उल खास ख्याल रखा करें, इसकी वजह से भी गड़बड़ होती है, और बड़ी माइनर सी मिस्टेक है लेकिन बड़े काम ये खराब कर देती है मार्केट प्लेस। ठीक है, अच्छा अब ये जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, इसको वन टाइम आप क्लिक कर लें।
अब ये देखिए वर्ड्स इसने हमें टोटल, मतलब मैं वहां से तकरीबन 200 वर्ड्स लेकर आई थी छांटी होने के बाद, फिल्टर होने के बाद कितने दिए 66। अब इन 66 वर्ड्स को यूज करते हुए मुझे टाइटल भी बनाना है, ठीक है, मुझे 5 सब्जेक्ट मैटर बनाने हैं और 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बनानी है, ठीक है। अब वो कैसे बनानी है मैं आपके सामने बनाती हूँ ताकि हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहले तो आप पैटर्न देखें कि जो टाइटल है ना, टाइटल उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न उसका ये है, सबसे पहले आपका ब्रांड नेम आएगा, क्योंकि हम पीएल की लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। पीएल में आप अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हो तो टाइटल बनाते हुए सबसे पहले आपका ब्रांड नेम लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा ब्रांड नेम है फाइन एम्स, ठीक है, मैं लिखूंगी फाइन एम्स, ठीक है। आगे वो पूछ रहे हैं कि ब्रांड नेम के फौरन बाद आप अपनी प्रोडक्ट लिखते हो, ठीक है, मैं लिखूंगी फाइन एम्स पिलो कवर या पिलो केस, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट का नेम हो गया। आगे वो कह रहा है कि मटेरियल, ठीक है, जो भी इसका मटेरियल है, पॉलिएस्टर है, कॉटन है, जो भी है, सिल्क है, आप वो इधर मटेरियल लिखेंगे। अब वो 2 का पैक है, 6 का पैक है, जो भी है, आगे उसके पैक्स के बारे में आप बात करेंगे। अब वो ब्लैक कलर में है, सिल्वर में है, व्हाइट में है, आप आगे उसका कलर मेंशन कर देंगे। आगे डायमेंशन हो या डायमीटर्स हो वो आप उसकी मेंशन कर देंगे। ये प्रॉपर एक पैटर्न है टाइटल लिखने का। अब अगर इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं कि मैं कैसे लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फीफा इज अ ब्रांड नेम, बेडिंग पिलो के पिलो इज अ प्रोडक्ट नेम, आगे केसेस 4 पैक, मतलब केस के बारे में, पैक के बारे में बता दिया। आगे लिख दिया ग्रे पिलो, ठीक है, आगे केसेस 50/75 cm, ठीक है, ये इसकी मैंने डायमीटर्स मैंने बता दिए। आगे सॉफ्ट ब्रश्ड माइक्रोफाइबर विद एनवेलप क्लोजर, मतलब मैंने मजीद इसका जो फैब्रिक है उसको मैंने इनहेंस कर दिया, तो ये हमारी बन गई एक बेहतरीन सी हेडिंग या टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई इसकी एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कैसे हमने करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फीफा ही लिख लेती हूँ, ठीक है, या फाइन नेम लिख लेते हैं, कुछ भी। अब जैसे जैसे लिखते जाएंगे, ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है 66/66 उस पे सब लोग नजर रखिएगा। अच्छा जी, ये मैंने लिखा। अब सब लोग इस बॉक्स पे गौर करें, ये देखें पिलो, पिलो के ऊपर लाइन फिर गई, इसका मतलब ये जो पिलो वर्ड है मैं अपने टाइटल में यूज कर चुकी हूँ, ठीक है। पिलो के ऊपर लिखा आ रहा है 2, ठीक है, इस 2 का मतलब है कि मैंने ये पिलो वर्ड जो है 2 दफा यूज कर लिया है। अब ये जरा देखें, एक दफा ये रहा बेडिंग के बाद, दूसरी दफा ये ग्रे पिलो, ठीक है, 2 दफा मैंने ये पिलो यूज कर लिया, और ये फिल्टर हमें यहाँ पे बताता जाएगा। अब जो जो वर्ड आप यूज करते जाएंगे वो इसको क्रॉस करता जाएगा, और जो बाकी बच जाएंगे उसको हमने कोशिश करनी है कि हम अगले बुलेट पॉइंट में यूज करें। यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलता है कि भाई ये कीवर्ड जो है अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, और आपने कोशिश करनी है कि सारे यूज कर लेने हैं। ये वो तरीका है जो कि आप पहली मरतबा भी लिस्टिंग बना सकते हैं, और किसी की ऑलरेडी हुई भी है उसकी लिस्टिंग के सारे वो कीवर्ड लेके आके उसको लिख के दिखा दें, बोले सर ये देखें ये कीवर्ड अभी इसमें डलने हैं, ये अभी इसमें नहीं ऐड नहीं हुआ है, मैं आपको ऐड करके दूंगा, ठीक है। और नीचे मजीद भी ये बता रहा है कि आप 6 यूज कर चुके हैं, बाकी 60 अभी भी आपके अनयूज्ड हैं। अब हमने इनको यूज करना है वाइजली, बुलेट पॉइंट अभी 5 बनने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर कैसे बनता है अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात सुनिए एक मिनट, ये 66 जो हमारे वहां से आए हैं ये सबके तो 66 ही ना होना, डिफरेंट होने हैं ये आपके, डिफरेंट होंगे क्योंकि अभी तो थोड़े थोड़े आप डिफरेंट होंगे कीवर्ड्स लेकर आए हैं। चलिए सपोज हमारे 90 आ गए हैं, तो फिर वो जो 90 है वो हमने 90 के 90 यूज करने होंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप सेंटेंसेस इस तरीके से बनाएंगे कि वो सारे के सारे, जैसे अभी आपकी डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे यूज करें। जी अच्छा, दूसरी सजेशन, ये जो ऊपर वाले हैं जी, ये सारे फ्रंट पे ही होंगे, ये ऊपर हमने वहीं पे यूज करने हैं सारे फ्रंट पे। मैं समझी नहीं, चले मैं आपसे एंड में पूछती हूँ। ये टाइटल है ना, बेसिकली ये टाइटल है, ये तो अभी टाइटल बनाया है। दूसरी सजेशन मैं ये दे रही थी आपको, ठीक है, कि ये देखें पिलो है ना, इसके ऊपर 2 लिखा आ गया। सजेशन आपको ये देनी है कि एक जो वर्ड है ना, ट्राई करें कि एक ही दफा यूज हो, डबलिंग में आप यूज ना करें। अभी जैसे केसेस भी 2 दफा यूज हो गया, ये देखें एक यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे यूज हो गया, तो आपने कोशिश करनी है एक एक दफा लाइन फेरे,
सजेशन ये है, बाकी अगर दो दफा भी यूज हो जाता है तो डजंट मैटर। हां वो जाहिर सी बात है, अगर जुमला कंप्लीट होने में वो डबल दफा यूज हो रहा है, हो रहा है तो सकते हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एक एक से ज्यादा मर्तबा ना यूज। बेसिकली ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमें फिल्टर करने के बाद पता चले कि लोग इस प्रोडक्ट को ये लिख के टाइप करते हैं। जब आप ये अच्छे से वर्ड यूज कर लेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आपकी प्रोडक्ट को पहले पेज पर आने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो हो गया मेन कीवर्ड, उस पर रिलाय तो नहीं करेंगे। ये कितने सारे कीवर्ड्स हो गए जो हम अपनी प्रोडक्ट की बैक एंड पे लगा रहे हैं उसको उठाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा बुलेट पॉइंट पे गौर करें। ये जो ऊपर लिखा हुआ ना सेट ऑफ पिलो केस, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। अब अगली जो लाइन लिखी हुई है, ईच पिलो केस मेजरिंग 50x75 सेंटीमीटर विद 10 cm एनवेलप क्लोजर, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ फोर पिलो केस, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ये चार पिलो केस का सेट है, इसको मैंने हेडिंग के तौर पे यूज किया। हम वापस चले जाते हैं स्क्रिबल्स में। ये देखिए यहाँ पे आप बनाते हैं सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, अब इसकी जो डिटेल है वो मैं बुलेट पॉइंट नंबर 1 में लिख देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इसलिए मैं आपके सामने इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप किसी की भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद बनाएंगे ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं बुलेट पॉइंट्स में। बेसिकली कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, सिंपल अपने माइंड में ये बिठाएं। आपने देखें पहले बुलेट पॉइंट में मैंने उसके केस की बात कर दी, पिलो केस मतलब है जी इतने सेंटीमीटर। अब दूसरे पॉइंट में मैं बात करूंगी उसके, या तो मैं फैब्रिक की बात कर दूंगी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिएगा, ये देखिए जो ब्रश्ड माइक्रोफाइबर, ये मैं इसका सब्जेक्ट मैटर दूंगी। आगे मैं क्या कह रही हूँ, द ब्रश्ड माइक्रोफाइबर फैब्रिक ऑफर्स अ सॉफ्ट फील विच लीड्स टुवर्ड्स अ प्रोलॉन्ग रेस्टिंग पीरियड। थोड़ा सा मैंने इसका यूज बता दिया जरा मजीद तड़का शड़का लगा के, लिस्टिंग मेरी और अच्छी लगे। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करके उधर ले जाती हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो अनाड़ी वीएस हैं सब्जेक्ट मैटर को इतना बॉदर नहीं करते। जो सही सीनियर जो वीएस होते हैं वो सब्जेक्ट मैटर को बहुत कीमती समझते हैं, ताकि आपकी जो लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स हैं वो बने हुए अच्छे लगे, वाज़े नजर अट्रैक्ट करें। हाँ जी, खूबसूरती भी तो नजर आए ना। ठीक है, ये दूसरा हमारा बुलेट पॉइंट बन गया। तीसरे में मैं क्या लिखना चाहूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हमने उसमें बात लिखी हुई है। ये देखें, मैंने इसके फीचर्स की बात कर ली। मैंने लिखा है फीचर्स, हेडिंग में मैं डालूंगी। अगली लाइन है, फीचर्स आर 10 सेंटीमीटर हेम विद पाइपिंग ऑन द फ्रंट एंड एन एनवेलप क्लोजर ऑन द बैक साइड फॉर सिक्योरली कीपिंग द पिलो इनसाइड। ठीक हो गया, एक और तड़का लग गया। इसको मजीद कॉपी करके उधर ले जाते हैं। अपनी प्रोडक्ट की बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन देनी है इन बुलेट पॉइंट्स में। एक सेकंड, कॉपी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तीन हो गए, चौथा बनाते हैं। चौथे में देखिएगा, श्रिंक एंड फेड रेसिस्टेंट। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला है, द माइक्रो फाइबर मटेरियल इज प्रोसेस टू मेक इट रेसिस्टेंट टू श्रिंकेज एंड फेडिंग विच एड्स टू द लॉन्गविटी ऑफ द सेट बाय कीपिंग इट इन ग्रेट कंडीशन। थोड़ा सा मैंने उसकी केयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। ठीक है, थोड़ा सा उसके केयर के बारे में बता दिया। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी करके ये इसका सब्जेक्ट मैटर। ओके, बुलेट पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं।
अच्छा जी, इधर मैं बोल रही हूँ केयर इंस्ट्रक्शंस, मशीन वॉश, टंबल ड्राई और आयरन ऑन लो टेम्परेचर, डू नॉट ब्लीच. ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, ये तो तरीके से टाइटल बन गया, 5 बुलेट पॉइंट्स बन गए विद सब्जेक्ट मैटर. अच्छा, आगे क्या करना होता है लिस्टिंग में? अब ये थोड़ा सा अब ये देखिए, अब ये जो जितना भी हमने बनाया है, ठीक है, अब इसमें से ये कीवर्ड बता रहा है कि सर ये वाले कीवर्ड आपके रहते हैं. आपने कितनी भी अपने तरीके से अच्छी लिस्टिंग बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये टूल बता रहा है कि सर स्टिल यू कैन यूज दीज वर्ड्स एज वेल. ठीक है, ये देखे, ये सारे कीवर्ड आपने इस्तेमाल ही नहीं किए. आयरन का भी हमने जिक्र किया, आयरन अब कट हुआ है. ठीक है, तो ये मजीद आप इसमें से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तो हमने खैर अभी रैंडमली कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही. हाँ. पूरा मैंने इसको छांटी नहीं किया हुआ, हमने रैंडमली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है. हाँ. मजीद अब आगे डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं, उसमें लिखा क्या. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दो अल्फाज लिख लिए, मतलब वो एक गोल बना के लेके आए, बुलेट पॉइंट आपने यहाँ आके लगाया, आपने देखा यार स्टिल एक दो ये अल्फाज जो है ये मैंने अभी इस्तेमाल किए नहीं, ये मुझे बता रहा, तो आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किसी तरह अच्छे से उसको. ठीक है, सिल्क एवर करके, ठीक है, एंटर करेंगे तो अब ये देखें सिल्क पे लाइन फिर जाएगी. ठीक है, ये देखें सिल्क जैसे ही टाइप किया ना, यहाँ पे देखें सिल्क कट हो गया इस तरीके से. अच्छा, इसको अभी यहाँ से रिमूव करते हैं. अच्छा जी, ये सारा आपने फिर ये दोबारा आपने जहाँ पे आपकी वर्ड की फाइल आपने बनाई होगी वहां जाके आप रखेंगे, जैसे इसको कंप्लीट करके उसके बाद इसको अलग से रखेंगे, ताकि ये आप जब प्रैक्टिकली अमेजोन के पेज के ऊपर जब लिस्टिंग आप क्रिएट कर रहे होंगे वहां जाके आप ये इसको पेस्ट करेंगे. ठीक है, ये फिलहाल यहाँ पर आप सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं लिस्टिंग के लिए. ठीक हो गया. अच्छा जी, बात आ जाती है आपके डिस्क्रिप्शन की. डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखना है? अब ये तो आपने अपने वर्ड की फाइल पे इस तरह से लिखा, उसको यहाँ के मीट किया, तो आपको पता चल गया जी हाँ जी ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं नहीं हुए. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब आपने ये डिस्क्रिप्शन की वाली बात कर लेते हैं. वही बातें हैं, थोड़े से वर्ड्स इधर चेंज किए गए हैं. अब जरा इसको पढ़ते हैं इधर लिखा क्या हुआ है. Dress your bed in style with these microfiber pillowcases that come in standard sizes, featuring a plain wave. These solid color pillowcases coordinate easily. Sir, इसको please zoom out मत कीजिए, वो आंखों से हट रही है चीज. Pillowcases coordinate easily with your existing bedding set. Now you can conveniently get basic bedding in a single package rather than going for each item separately. ठीक है, इट्स ऑफन एडवांटेजेस टू गेट अ वैल्यूएबल पैक रादर देन गेटिंग ईच पिलो केसेस सेपरेटली. अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है इधर, मजीद पढ़ लेते हैं. अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको आपने फॉर एग्जांपल ये आप लिख कर आए हैं इसकी डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख के आके आपने यहाँ आके देखा कि कौन से कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किए हैं, कौन से नहीं किए. आपने मजीद इसको अगर एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट करेंगे. ठीक है, फिर इसको दोबारा आप कॉपी करके जहाँ आपकी वर्ड की फाइल आपने लिस्टिंग के लिए बना रहे हैं चीजें वहां के कॉपी पेस्ट करेंगे. लेकिन जब अमेजोन के ऊपर जब ये आप ये लिस्टिंग बना रहे होंगे तब आप इस तरह से वर्डिंग में नहीं लिख सकते. बिल्कुल, अगर लिखेंगे तो वो अच्छे से वो नहीं होगी. ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगी. किस तरह से लिखनी होगी, आपको HTML कोडिंग में इसको लिखनी होगी. जी हाँ, ये देखें ये HTML कोडिंग. ठीक है, सिंपल, मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ. अभी जो हमने ये वाला डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा है, ये Amazon पे बिल्कुल इसी तरह तब शो होगा जब ये पूरे का पूरा पैराग्राफ हम HTML कोडिंग में लिखेंगे.
अब सवाल ये पैदा होता है, कोडिंग तो ना हमें समझ आता है ना हमें लिखना आता है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? अब इसका थोड़ा सा हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये आपने कैसे करना है। गूगल पर आ जाएं आप, गूगल पर आके लिखें आप सेलर एब, ठीक है, सेलर एब, सेलर एब, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना साइन इन करें, जो जो आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है आप उसको देते जाएं, ठीक है। साइन इन करने के बाद, ठीक है, ये मैंने साइन इन कर लिया है, एक मिनट इसको देख लेता हूँ मैं, साइन इन अगर ये हो जाए तो ये साइन इन हमें भी कोई डमी अकाउंट मिलेगा? जी 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 बिल्कुल, आप खुद ही बनाएंगे इसको, ठीक है। दो तरीके बताता हूँ, एक ये तरीका है, एक और भी तरीका है, दोनों तरीकों बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है, साइन इन विथ गूगल अकाउंट। बेसिकली आपने डिस्क्रिप्शन जो लिखी है वर्ड में उसको कन्वर्ट करना है एचटीएमएल कोडिंग में, बस। अब वो कहाँ से भी आपको करके मिलती है तो आप वहां से ले लें। चलें, ये मेरा इस तरह यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। मैं आ जाऊंगा टूल्स में, ठीक है, मार्केट प्लेस देख लेता हूँ। मार्केट प्लेस मुझे यूनाइटेड किंगडम चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस हो गई, मार्केट प्लेस के पास ये टूल्स, टूल्स में मुझसे पूछेगा हाँ जी क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, ठीक है, इसको एक्सप्लोर टूल करते हैं, इसको क्लिक करेंगे आप, ये देखिए अभी वो जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है अपने वर्ड में, वर्ड की फाइल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, अब इसको कॉपी करें आप और इसको ले जाएं यहाँ पर, आप अपनी वर्डिंग जो है वो यहाँ पर लिखें। अब ये देखें ये आपका आ गई कोडिंग, ठीक है। अब ये देखें, ये आपने ये खूबसूरत से किया हुआ ना, यहाँ से आप इसको स्पेस दें तो आप वो कोडिंग आ रही है, ठीक है। अब ये वाला कोड आप जाके उधर पेस्ट करेंगे तो ये इसी तरह जिस तरह दिख रही है, ये जिस तरह दिख रही है इस तरह होगी, ठीक है, नजर आएगी। अदरवाइज अगर आप सिंपल जाके उसको ये वर्डिंग जो है वो उधर अमेजोन के सेलर सेंटर में जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं डायरेक्ट जाके पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह की दिखेगी। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आपको, एक मिनट, पैक ऑफ और है, ठीक है, ये वाला भी नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये किस तरह की है, वो है लिस्टिंग तो ये नहीं लग रही, खूबसूरत तो नहीं लग रही, जाहिर सी बात है इसको कोई अच्छे तरीके से इस तरह से देना होगा हमने, फिर कभी हमने वो कोई बात करते करते फिर हमने यहाँ पर इस तरह से करना होगा, ठीक है। मतलब इसको पैराग्राफ अच्छा सा बनाना है, जैसे कोई, जैसे पिलो केसेस हमारी प्रोडक्ट है, इसको आप बोल्ड कर लें, ठीक है, इस बॉक्स में आपने इसको जितना बोल्ड करना है, स्पेस देना है, देने, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोडिंग में एक्सेप्ट करता जाएगा, ठीक है। ये देखिए बोल्ड कर लिया, ये कर दिया, राइटिंग चेंज करनी है, इसको बुलेट पॉइंट की शक्ल में देना है, अदरवाइज वो सिंपल में आपसे नहीं होगा ऐसे, ठीक है। जब आप सादा सादा जाके लिख लेंगे ना उधर नहीं होगा इस तरह से, होगा भी तो वो एक लाइन में आ रहा होगा और वो बिल्कुल ही गंदी सी लगती है, वो तकरीबन जो न्यू होते हैं जो खुद अपनी लिस्टिंग बना लेते हैं फिर उनके साथ इस तरह के मसले आ रहे होते हैं, जो वीए से नहीं बनवाते ना उनको पता नहीं है कि किस तरह से लिस्टिंग बनती है, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा सिंपल तरीका, आसान तरीका, आप अपने गूगल अकाउंट पे आ जाएं, ठीक है। जैसे आप ये शीट इस्तेमाल करते हैं ना एक्सेल की, यहां पर 9 डॉट्स में,
ठीक है, इसको आप ओपन करें, यहां पर आपको एक मिलेगा ब्लॉगर, ये देखिए ये वाला ब्लॉगर, इसको आप ओपन करें। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये बेसिकली आपकी एक वो वेबसाइट बनाने के लिए होता है। ठीक है, मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट मतलब मैंने ऐसे ही बना रखी है। ठीक है, आपसे ये न्यू मांग लेगा कि न्यू बनाओ आप। ठीक है, रेंडमली जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये न्यू पूछेगा इस तरह से, भाई टाइटल बता दें। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल जो भी इसका दे देता हूँ, इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये जो वेबसाइट आप बना रहे हैं उसका वो URL क्या होगा। मैं कुछ भी दे देता हूँ, हेलो दानिश कर लेता हूँ, 1900 कर लेता हूँ, अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है, ये हो गया मेरा URL हो गया। ओके, आप इस तरह से न्यू बनाएंगे। ठीक है, जिससे सेव करेंगे आपके पास इस तरह न्यू आ जाएगा। न्यू करके अब ये न्यू पोस्ट, पहले आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद आप ये न्यू पोस्ट करेंगे। न्यू पोस्ट करने के बाद जब जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन आपके पास आता है, अब वो जो आपने डिस्क्रिप्शन बनाई है ये वाली, ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर ले आए। ठीक है, इसको यहाँ के पेस्ट करें, और जो आपने इसमें एडिटिंग करनी है बैठ के आराम से इसको बोल्ड करें, जो भी करना है कर करा के। ठीक है, यहाँ से जाके इसको आप HTML कोडिंग ले लें, ये रही आपकी HTML कोडिंग, ये आ गई। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन ये है कि इस HTML कोडिंग को क्या करना है, ये इंशाल्लाह कल का आपका टॉपिक होगा कि Amazon के लाइव सेलर सेंट्रल पे इस HTML कोडिंग को कैसे अपडेट करते हैं, वहां पे कैसे इसको पुट करते हैं। ठीक हो गया, यहां तक आपने कल काम लाजमी करना है। अब इस सारी एक्टिविटी में कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं। मैं वो तो जब बनाएंगे ना तब पता चलेगा क्या समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इसलिए प्रैक्टिस को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें, और कल सब लोग अलर्ट रहें। कल को इंशाल्लाह सेलर सेंट्रल का विजिट भी है, और उस पे ये बुलेट पॉइंट्स बना के वहां पे कैसे अपलोड करते हैं कि जिससे अमेज़न पे आपकी लिस्टिंग शो होती है, कल वो सारी आपकी एक्टिविटी होगी। लेकिन उससे पहले आप ये प्रैक्टिस कम्प्लीट हो। मैम इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी सेंड कर दीजिएगा। जी अभी लेक्चर के फौरन बाद अपलोड हो जाएगी। अभी थोड़ा पढ़ने का और मूड है तो आके पढ़ ले। सर पढ़ा दें, मूड का क्या है, 12 बजे के असाइनमेंट को लगे हमें अफ्तारी देख लें फिर। नहीं नहीं अब आप अफ्तारी बना लें कोई। नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि आपके दूसरे रोज़े छूट जाए। पीएल की लिस्टिंग जो है ना वो हंटिंग से ज्यादा मजे की लगी है, बल्कि मजा आया ये असाइनमेंट करते हुए भी। टूल्स ना इशू करते तो कंप्लीट हो जानी थी, तो मूड तो है तो पढ़ने टाइम छोटी जी, और आज सब लोग पूरे भी नहीं है, 3-4 लोग की क्लास ले रहे हैं, बाकी लोग एब्सेंट है क्लास में। अच्छा ऐसा है सर, उस्मान ने पूछा है कि असाइनमेंट क्या है। सर आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं ना, जो जिसमें से इररिलेवेंट और ब्रांड वाले तो हमने डिलीट कर दिए, अब जो काम के आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप कॉपी करके Helium-10 के फ्रैंकेनस्टाइन पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करके छांटी करेंगे, जो काम के कीवर्ड्स होंगे वो आपको मिलेंगे, और ये स्क्रीन शॉट लेके आप कैनवा पे लगा दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि ये सारी प्रैक्टिस आपने की है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको ऑटोमेटिकली स्क्रिबल पे लेकर आएगा, वहां पर आके फिर आपने ये टाइटल टाइटल भी बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स भी बनाने हैं, सब्जेक्ट मैटर भी बनाएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, और यहां आपके सारे जो कीवर्ड है ना वो यूज हुए हैं। ठीक है, सब पे क्रॉस आया वो यहां से। हाँ जी, हमें बस आपने स्क्रीनशॉट ले लेके कैनवा पे दिखाना जरूर है कि ये काम आपने किया है। फिर ये डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के बाद इसके जो कोडिंग है वो किस तरह आप लेकर आएंगे वो भी मुझे बता दीजिएगा, कहाँ से आपने लिए, ब्लॉगर से लिए या इससे, दोनों में से आपकी मर्जी। हाँ। सेलर ऐप यूज कर लें या ब्लॉगर इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्जी, जो इसमें से आपको इजी लगे ना उसके थ्रू आप HTML कोडिंग इस तरह निकाल के इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपनी असाइनमेंट पे अटैच कर दीजिएगा। मैम एक क्वेश्चन है जी,
मैम जब हम ये कीवर्ड कंपटीटर निकालते हैं तो हम एक्सक्लूड वेरिएशन पे चेक नहीं लगाते, अगर हम वहां पर लगा दें तो हमें वो इररिलेवेंट नहीं वो दिखाएगा, तो हमें सिर्फ रेलिवेंट ही दिखाएगा, तो हम उस पर टिक नहीं कर सकते ताकि हमें रेलिवेंट ही शो हो सारे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको मजीद ज्यादा से ज्यादा वो चाहिए होता है, आपको देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड आपके काम का है, कौन सा कीवर्ड नहीं है। इससे मैं आपको मजीद इसको थोड़ा सा लॉजिकली आंसर देती हूँ। अगर आप एक्सक्लूड पे चेक लगा देंगी ना तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आपके हाथ से निकल जाएंगे जो आपके कंपेटिटर्स ने अपनी पीपीसी में यूज करके फर्स्ट पेज पर रैंक होने के लिए यूज किए थे, तो इसलिए बस आप फिर एक लिमिटेड से सर्कल में ही रह जाएंगी। तो लिस्टिंग के लिए आपको भरपूर कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, उसमें से रैंडमली आपने मैन्युअली खुद ही देखना होता है शीट पे कि जो ब्रांड के नेम के साथ अटैच हैं उनको आप इग्नोर करेंगी। बाकी अभी आपने सिर्फ 50 कीवर्ड्स पे काम किया, ये आपने 300-350 कीवर्ड लाना होता है, ठीक है? तो इसलिए आप बिल्कुल भी उसको एक्सक्लूड पे चेक ना लगाइएगा। और दूसरी बात ये कि हमें वन कीवर्ड काउंट भी चाहिए होता है, मतलब छोटे से छोटा कीवर्ड भी हमें चाहिए होता है कि जो लोग इस प्रोडक्ट को टाइप करके यूज मतलब इसको सर्च करते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? मैम ये जो फ्रंट पे कीवर्ड थे 66, ये हमने सारे यूज करने हैं या कुछ रह गए तो कोई इशू नहीं है? कोशिश करें कि सारे कर लें, लेकिन अगर रह जाए तो अपनी तरह लिस्टिंग पे गौर कर लीजिएगा कि अगर तो आपकी तगड़ी लिस्टिंग बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी बन गई है, फिर तो आप उनको इग्नोर भी कर सकती हैं। बट कोशिश यही करें कि सारे कीवर्ड्स यूज कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। और थोड़ा सा इसको जो है ना एक दफा सिर्फ कॉपी करके, ठीक है, किसी की भी लिस्टिंग, फिर आप अपने तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, कॉपी पेस्ट की सर ने अच्छी बात की। अगर आपने लिस्टिंग बनानी है और आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, तो आप दूसरों का जो A+ कंटेंट होता है ना उसको देख के सिर्फ एक आइडिया लेंगे, बाकी वर्डिंग आप अपनी खुद की ही लगाएंगे, 100% उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आइडिया लेने के लिए आप उनकी जो लिस्टिंग है विजिट जरूर कर सकते हैं। और ब्रांड नेम में आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है, या फाइंड नेम्स डाल दीजिएगा या आप अपना नाम, ताकि हमें पता चले कि आपने किसी और का ब्रांड नेम नहीं इस्तेमाल किया और नहीं करना होता है, ठीक है? अदरवाइज पेनल्टी लगती है आपको, बिल्कुल, ठीक है, अमेज़न की तरफ। ये लिस्टिंग आपको पता है कैसे देखते हैं, कैसे लेकर आते हैं, ठीक है? चले जी, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करें। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।